भर्ती योजना 2022 के विरोध में राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सोमवार को वैरायटी चौक पर प्रदर्शन का नेतृत्व रायुका के शहर अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी ने किया। कार्यकर्ताओं ने रास्ता रोकने का प्रयास भी किया तो वहीं केंद्र सरकार के विरोध में नारे भी लगाए गए। तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा नहीं किया गया है। अग्निपथ योजना के माध्यम से युवाओं को भविष्य बनाने के समय ही रोजगार का सपना दिखाकर सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में नूतन रेवतकर, संतोष सिंह, सौरभ मिश्रा, शशिकांत ठाकरे, संजय तिवारी, अमोल पारपल्लीवाल, अमित पिचकाटे, अनिल बोकड़े, प्रणय जांबुलकर, सरवर अंसारी, शुभम टेकाड़े, अरविंद भाजीपाले, राजेश अधव, नंदकिशोर माटे, हाजी अजहर पटेल, तौसिफ शेख, दिनेश सालवे, नागेश देड़मुठे, राहुल पांडे, रुद्र धाकड़े, विशाल खरे, विश्वजीत सावड़िया, राजेश तिवारी आदि उपस्थित थे। कि केंद्र सरकार ने एक योजना लाई अग्निपथ योजना, जिसमें 17 साल से लेकर तो 21 साल तक युवाओं को उसमें प्रवेश दिया जा रहा है और उसके बाद में ज्वाइन होने के बाद 4 साल के बाद में युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है, युवाओं को रिटायरमेंट करने की योजना केंद्र सरकार ने लाई है। आज संपूर्ण भारत बंद है। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से संपूर्ण महाराष्ट्र में भी राज्यव्यापी आंदोलन किया जा रहा है। हमारी यही मांगनी है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार ने जो युवाओं को बेरोजगार करने वाली ये योजना है, तत्काल इसको इन्होंने वापस लेना चाहिए, अन्यथा राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की तरफ से तीव्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी केंद्र सरकार की होगी। जिस जब तक केंद्र सरकार ये आंदोलन को, ये योजना को पीछे नहीं लेती है, हम लोग तब तक ये आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। जिस प्रकार से उन्होंने कृषि कायदे को पीछे लिया था, उनको उसी प्रकार से ये अग्निपथ योजना को भी युवाओं के हित में पीछे लेना पड़ेगा, अन्यथा युवाओं के सम्मान में, बेरोजगारों के सम्मान में राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस और तीव्र आंदोलन करेंगी। ये केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, इसलिए मोदी सरकार ने युवाओं को गुमराह करने के लिए, बेरोजगारों को गुमराह करने के लिए, युवाओं को फंसाने के लिए ये योजना लाई है। एनबीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।